अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूं सैयद आयशा नाज। खबरों की तफसील से पहले दुनिया हेडलाइन। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग, एक शहरी जां बहक, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। वाना में दुनिया न्यूज के नुमाइंदे के घर के बाहर धमाका, इमारत को जुज़वी नुकसान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू, लाहौर में जलथल एक, नशेबी इलाके जेरिया। भारत ने दरिया सतलुज में 87,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया, 24 घंटे में पाकिस्तान पहुंचेगा, कसूर में 7 देहात को खाली कराने का हुक्म। क्वेटा में एफसी की कार्रवाइयां मुअम्मा बन गई, खाली घर से बड़ी तादाद में असलहा बरामद करने का दावा, मकीनों का कहना है कि एहलकार तोड़फोड़ करके चले गए। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि मुल्की बका की जंग लड़ रहे हैं, बलोचिस्तान में अमन के लिए आर्मी चीफ ने तआवुन की यकीन दहानी कराई है। ईद की मौजें खत्म, परदेसियों की शहरों को वापसी जारी, स्टेशन और बस अड्डों पर रश। नडाल ने कनाडा में होने वाले रॉजर्स कप का टाइटल तीसरी बार अपने नाम कर लिया। और कोलंबिया में सालाना फ्लावर ट्रेड, फूलों से बने मुजस्मे लोगों की तवज्जो का मरकज।